अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि आप अपने वीज़ा का वकाला कैसे चेक कर सकते हैं। आपका वीज़ा का वकाला हो गया कि नहीं हो गया, यानी आपका वीज़ा इंडिया आपके ऑफिस में पहुँच चुका है कि नहीं पहुँच चुका है। क्योंकि पहले जो वेबसाइट था engadget.com.sa वो बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने वही वेबसाइट खोली हुई है। जब आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसको बोलेगा कि आप यहाँ पे क्लिक करें। तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस नए पेज पे आ जाएंगे, डायरेक्ट आप यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊँगा कि नया तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वकाला हो गया या नहीं हो गया। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये फ्री में है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। तो चलिए अभी बताते हैं आपको कि नए वेबसाइट में आप कैसे चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। और कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको अगर इंग्लिश में अरबी में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्विस फॉर बिजनेस एंड इंटरव्यूज पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सारा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। जो भी काम वहाँ पे होता था एंजेजिट पे, सारा काम अभी इस पर हो रहा है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर नीचे आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप देखिए वीज़ा डेलीगेशन आ गया। आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फिर एग्री करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अपना यहाँ पे वीज़ा नंबर डाल देंगे और यहाँ पे अपना स्पॉन्सर आईडी डाल देंगे। तो आपका वीज़ा नंबर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वीज़ा है, ये आपका वीज़ा नंबर हो गया, जो SOS नंबर है ना, ये आपका वीज़ा नंबर हो जाता है। और ये आपका स्पॉन्सर आईडी यानी आपके कपिल का आईडी हो गया ये, और ये कपिल का नाम हो गया, ठीक है ना। और ये आपका बॉर्डर नंबर। तो ये सारा कुछ ये डालने के बाद और आपका वीज़ा कौन से अथॉरिटी से हुआ है, यूजिंग हुआ है, तो आप यहाँ पे मेरा मुंबई में हुआ है तो मैं मुंबई में डालूँगा। आपका अगर दिल्ली हुआ तो दिल्ली डाल सकते हैं, किसी भी सिटी का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वीज़ा नंबर डालेंगे, यहाँ स्पॉन्सर आईडी डाल के और ये कोड यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से सिंपली सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके देखिए ये आपका वीज़ा नंबर आ गया, ये आपके कपिल का नाम आ गया और ये आपका रेसिडेंट नेशनल आईडी यानी कपिल का आईडी आ गया इधर, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वीज़ा किस अलियम इंटरप्राइजेज में गया है। देख सकते हैं ये वीज़ा हमारा अलियम इंटरप्राइजेज में वकाला हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारा वकाला का सारा डिटेल आ गया। तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चलिए और मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।